अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं रेनबो केक, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है। तो आइए ना स्टार्ट करते हैं। तो रेनबो केक बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 अंडे। इनको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अंडे अच्छी तरह से बीट हो गए हैं। अब इसमें 1 कप शुगर डालेंगे। मैंने पाउडर शुगर इस्तेमाल की है, इसे भी अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अब इसमें 1 कप ऑयल डालेंगे, इसे भी अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अब 2 कप मैंने मैदा लिया है, इसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे फोल्ड करते हुए मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसमें कोई भी लम्स ना रहे। इसे मिक्स करते हुए साथ साथ हम इसमें मिल्क ऐड करते जाएंगे। मिल्क आपने ठंडा नहीं लेना, रूम टेम्परेचर पे आपने मिल्क लेना है। अब इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल देंगे। व्यूवर्स ये देखिए, बैटर हमारा रेडी हो गया है, कितना स्मूथ पेस्ट बना है। तो व्यूवर्स बैटर मैंने 6 बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इनमें मैंने कलर्स डाल दिए हैं। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, कलर्स अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिए हैं। अब अगला स्टेप शुरू करते हैं। मैंने हलीब की विप्ड क्रीम ली है, अब इसे हम अच्छी तरह से इसमें डाल के इसको विप कर देंगे। क्रीम को अच्छी तरह से व्हिप कर लेंगे। अब इसमें 1/2 कप शुगर भी ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स क्रीम व्हिप हो गई है, ये देखें कितनी थिक हो गई है ये, और साइज में भी डबल हो गई है। अब हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे। अब मैंने एक पैन लिया है, पैन को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब ये बैटर मैं फ्राई पैन में डाल दूंगी। और इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा है। तो व्यूवर्स ये देखिए, केक रेडी हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और अपने सारे केक इसी तरह से तैयार कर लेंगे। पैन को मैंने साफ करके अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें ये वाला बैटर डाल देंगे। और इसे भी 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो व्यूवर्स देखिए, मैंने केक के सारे स्पंज रेडी कर लिए हैं। अब इनको डेकोरेट करते हैं। अब मैंने एक बटर पेपर भी छा दिया है, इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगा लेते हैं। इसके ऊपर अपना केक रखेंगे। अब इसके ऊपर हम क्रीम लगा लेंगे। मैंने इस पर क्रीम लगा दी है। अब दूसरा स्पंज इसके ऊपर रखेंगे। इस पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे, ये मैंने पानी मीठा किया है। इसके ऊपर फिर क्रीम लगाएंगे। तो क्रीम हमने लगा दी है, अब इस पर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेंगे। तो व्यूवर्स देखिए, तैयार है हमारा रेनबो केक, बहुत ही मज़ेदार बना है। मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ।
तो व्यूवर्स देखें ये कितना अच्छा बना है, देखिए रेनबो के सारे कलर नज़र आ रहे हैं। व्यूवर्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दुआओं में मुझे याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।